चटपटा खाने का मन है तो बना रहे हैं हम एक शानदार रेसिपी। तो यहाँ पे हमने 1 to 2 आलू लिए हैं, बॉइल्ड आलू, हरी मिर्च, छोटी सी हरी मिर्च हमने ग्रीन चिली काट के ली है यहाँ पे, सॉल्ट एज पर टेस्ट, रेड चिली पाउडर एज पर टेस्ट, ये गरम मसाला, होल कोरिएंडर सीड्स यानी कि एक खड़ा धनिया। अब देखिए यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। आज बहुत ही कम तेल में हम एक चटपटा ना रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं, जो आप ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में, लंच में, डिनर में, चारों टाइम यूज कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे आपको आटा लगाने का बताएंगे। ये हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा यानी कि होल व्हीट फ्लावर लिया है, आधा कटोरी सूजी यानी कि बारीक सूजी, कच्ची सूजी हमने यहाँ पे ली है, रोस्टेड नहीं है, और ये हमने 1/4 कप दही लिया है, और उसमें हम एक छोटी सी चम्मच तेल डाल के और नमक डाल के, सॉल्ट एज पर टेस्ट डाल के हमने आटा लगा लिया है। तो इसका आटा आपको लगाना है, आप पानी दही 1/4 कप ही आपको डालना है, और उसमें पानी डाल के आप आटा नीड कर सकते हैं। मीडियम कंसिस्टेंसी का आपको बनाना है, तो ध्यान रखिएगा मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा। सो देखिए अब छोटा सा हम बोल यहाँ पे लेंगे, ये गोल हमने लिया है राउंड, अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा के हम इसको बेल लेंगे पूरी साइज में। हम छोटा सा यहाँ पे बेलेंगे, थोड़ा सा तेल हाथ में लगा के इसकी राउंड ऐसे बॉल लगा लीजिए। आप आलू के मसाले में बारीक कटी हुई प्याज भी डाल सकते हैं, अगर आपको बारीक कटी हुई प्याज खाने का मन है। अब ये करके देखिए एकदम हेल्दी, एकदम चटपटा और एकदम टेस्टी है, विदाउट फ्राइंग ये नाश्ता है, तो आप आसानी से खा सकते हैं। देखिए अब हम इसको ऐसे रोल करके, जैसे हम कचौड़ी भरते हैं राइट, वैसे हम करके ऊपर का ये पोर्शन निकाल देंगे हल्के हल्के हाथों से, और इसको अच्छे से हम बंद कर लेंगे। तो ऐसे हमें राउंड बॉल्स करने हैं, ऐसे हमें कर देने हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये, जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो 3 बॉल्स रेडी हैं हमारे यहाँ पे, और आप इन 3 बॉल्स को लेके अब हम क्या करेंगे ना, सिंपल है, कोई भी अनहेल्दी आइटम हमने यूज नहीं करा है। ये अप्पे पैन है, अप्पे पैन में एक एक बूंद, छोटा छोटा बूंद हम तेल का डाल लेंगे हर पैन में। ये देखिए बस, बहुत आसान रेसिपी है। आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आपको फ्राई करना है तो एक तरीके से वो फ्राइड कचौड़ी हो जाएगी, बट ये हेल्दी हम आपको एकदम तरीका दिखा रहे हैं। अप्पे पैन में हम ये बॉल्स रख देंगे, ये रख दिया है हमने, देखिए 3 बॉल्स यहाँ पे रख दिया है। और अब हम इसको क्या करेंगे ना, अच्छे से सिकने देंगे, मीडियम स्लो से, मीडियम गैस पे अच्छे से इसको सिकने देंगे, और बीच बीच में पलटते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से सिक जाए। हम आपको दिखाते हैं, देखिए ऐसे ऐसे आपको बीच बीच में पलटते रहना है। टिपिकली ये स्लो से मीडियम फ्लेम में 5 से 7 मिनट लेगा, 5 से 7 मिनट लेगा सिकने में, पर ये बहुत अच्छा कुरकुरा एकदम नाश्ता बन जाएगा और बहुत टेस्टी बनेगा। हेल्दी का हेल्दी है, इतना कम तेल यूज हुआ है। आपको अगर फ्राइड पसंद है तो फ्राई कचौड़ी आप इसको फ्राई कर सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। एयर फ्रायर में भी आप इसको बेक कर सकते हैं, OTG में बेक कर सकते हैं इसको, जिसमें आप चाहें। बट मुझे ये अप्पे पैन का आइडिया सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ये कचौड़ी बन जाती है। देखिए ऑलरेडी सिकने लग गई है और खाने में भी आपको मजा आएगा। अब मैंने आपको बोला कि ये लंच और डिनर में आप कैसे खा सकते हैं, तो देखिए इसके संग आप कढ़ी बना सकते हैं। तो ये एक आपके लिए मिनी कचौड़ी हो गई यहाँ पे, चटपटी एकदम, बहुत कम तेल में बनी हुई, और इसके संग आप कढ़ी बना लीजिए। कढ़ी कचौड़ी अजमेर का, राजस्थान का बहुत फेमस रेसिपी है, जो कि लोग लंच में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में खाते हैं। तो आप आराम से उसको बना के डिप करके उसमें नमकीन डाल के, चटनियाँ डाल के बहुत ही चटपटा आपका लंच आइटम बन जाएगा। देखिए चारों तरफ से सिक रही है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए आसान सी, स्लो से मीडियम फ्लेम पे आपका ऐसे सिकेगा 5 से 7 मिनट में, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। गारंटी ये रेसिपी आपकी भी ऐसी ही बनेगी।
पलटते रहिएगा, बन चुकी है देखिए वहां पे, फटाफट बनती है स्लो मीडियम फ्लेम पे कुरकुरी। अब बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। मिलेंगे दोबारा फिर से लाइव वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।